तो आज हम करने जा रहे हैं 5 मिनट्स कुकिंग चैलेंज, जिसमें ना हमें सिर्फ अंडा मिलने वाला है, उसके साथ हमें कुछ तो डिश बनाना है। और जो कंटेस्टेंट होने वाले हैं ना, वो होने वाले बिहाइंड द कैमरा वाले लोग। यार फर्स्ट टाइम कर रहा हूं मैं, हंसो मत। हमें सिर्फ मिलने वाले है 5 मिनट, और आज कोई जजेस नहीं है हमारे साथ, तो मैं चांस देने वाला हूँ हमारे कैमरा टीम को कि वो चक्के देखेंगे कि कौन सा डिश अच्छा बना है। 5 मिनटों में हमें सिर्फ अंडे से रिलेटेड कोई भी डिश बनानी है। अंडा जो 5 मिनट में पकता है कि नहीं, इसमें भी डाउट है मुझे। 5 मिनट मिले, टाइमर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। ये तो मैं पूरा दूर ही रख रही हूँ, क्योंकि काटने नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं, हंसो मत। और मसाले जो लगेंगे वो मैं पहले ही साइड कर लेता हूँ। जो मैं आज डिश बनाने जा रहा हूँ वो पुणे की एक फेमस डिश है अंडे की, उसे बैंजो बोलते हैं। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैंने आज तक कभी भी कुकिंग नहीं की है। थोड़ा सा टेंशन है, लेकिन शायद हो जाएगा। सभी मैं बनाने वाला हूँ एक ग्रिल सैंडविच, और मुझे इनके ऊपर भरोसा नहीं है, तो मैं अपना वाला टाइमर भी लगाने वाला हूँ। यस 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 यस। ये मैं ब्रेड कट करके ले रहा हूँ, ब्रेड के अंदर का जो पोर्शन है वो मैं कट कर रहा हूँ। मैं मेरा ब्रेड पहले गरम करने रख देती हूँ कि जब तक वो होगा तब तक मैं कुछ आगे का कर पाऊंगी। तो पहले लेते हैं पैस। मैं एक अंडा लूंगी। मैं सबसे पहले अंडा फोड़ के लूंगा मेरा, क्योंकि अंडा टाइम लेता है थोड़ा सा। ब्रेड मेरा रेडी है, अभी मैं एक बोल में अंडा ले रहा हूँ। हाफ फ्राई का सोच रही हूँ मैं। बटर नहीं यूज़ करते हम, तेल वाले लोग हैं। तो इसको मैं ऐसा राउंड में काट रहा हूँ कि इसमें से मैं बीच में मस्त बर्गर नहीं सॉरी सैंडविच जैसा बना सकूँगा। सिंगल ही मरूंगी यार, कोई शादी नहीं करेगा मुझसे। अभी मैं बटर डालने वाला हूँ, टाइम कितना बचा है भाई। ये मैंने नमक डाला, अभी रेड चिली पाउडर। ईजी ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे मेरे अंडे में कुछ डालना ही नहीं है, मैं डाइट पे हूँ और मैं चाहती हूँ दूसरे लोग भी हेल्दी रहे। अंडा डालेंगे फोड़ के। देखते हैं पहले, मुझे थोड़ा सा गड़बड़े। अभी मैं बटर डालूंगी। बटर से स्वाद आता है थोड़ा सा, ठीक है। इसको पहले ये करके लेता हूँ मैं। ये शायद गरम मसाला या पाव भाजी मसाला पता नहीं, लेकिन ये मैं यूज कर रहा हूँ। मैंने शायद कुछ गड़बड़ कर दी है। ये हाफ बॉइल जैसा ही होता है वो डिश, पर उसमें ना चिली सॉस और रेड चिली सॉस डाल के थोड़ा सा अच्छा। मुझे 2 स्लाइस लगेंगे इसके लिए, तो मैं पहले से बहुत ऑयली खाता हूँ। होना चाहिए जैसे घर पे होता है ना, वैसे होना चाहिए। अभी मुझे पता नहीं है ये होगा क्या नहीं होगा। ये ब्रेड तो हो गया मेरा रेडी, मैं बटर डाल देता हूँ पैन पे ताकि ये रेडी रहे। वाओ इट्स लुकिंग सो गुड। तो पहले इसको मैं अच्छे से एकदम कड़क कर लूँगा। कुछ तो भी बन जाए यार, खाने लायक बन जाए। अब मैं डालूँगी नमक, क्योंकि हमारी लाइफ में नमक के बिना सब कुछ अधूरा है। ब्रेड मैंने रख दी है, अभी उसके अंदर मैं अंडा पोर किया। स्वाद अनुसार ये गया नमक। अभी ये साइड से भी थोड़ा सा चिली सॉस जाएगा, थोड़ा मतलब ज़्यादा ही गया वो थोड़ा सा, पर इतना हॉट नहीं रहता वो। तो मैंने अभी अंडे इसमें डाल दिए। आई थिंक थोड़ा सा और नमक, क्योंकि मुझे लगता है मैंने काफ़ी ज़्यादा कम डाला है। उसके अंदर मैं चीज स्लाइस डालने वाला हूँ। स्क्रैम्बल्ड एग बोला जाता है, जो सिर्फ ब्रेड के साथ खाया जाता है। थोड़ा सा बटर भी डालेंगे अपन इसके। ये सारे मसाले तो डाल दे इसमें। ये निकल क्यों नहीं रहा? मेरे को थोड़ा सा सैंडविच बनाना है, तो मैं ये कट करके लेता हूँ पहले। चीज तो हो गया, अभी प्लेटिंग के लिए सब रेडी कर लेता हूँ मैं। इसमें स्पिनच डाला जाता है, पालक, पर जो अभी फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं वो काटूँ और मैं डालूँ। अभी इसे थोड़ा सा स्वीटनेस के लिए अपन सॉस भी डालेंगे। अभी इसमें मैं एंड इट्स नॉट सनी साइड अप, ठीक है, बट खाने लायक तो हो जाएगा। और थोड़ा सा पकने देता हूँ, शायद ये कम पका है। ऑलमोस्ट होने आए, सिर्फ अंडा पकना चाहिए, 5 मिनट का टाइमर है। आई गेस ये पक चुका है। ये मैं आनंद भाई से सीखा, वो डेक्कन पे बहुत सही बना था ये डिश। तो अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ब्रेड के ऊपर भी मैंने थोड़ा सा योग डाल दिया है, जो भी एक्स्ट्रा योग था। ये अच्छा हो गया,
मैंने ऐसे बनाया नहीं है अभी तक, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। मैं सॉस डाला, इसको बंद नहीं करूँगा मैं। थोड़ा सा टोमेटो केचप, कांदा, कांदा नहीं कट किया यार, ठीक है चलेगा। और ये एक स्लाइस भी डालना था मुझे इसके अंदर। So we are done? Done. I think I am done. मेरा भी टाइमर हो गया, बच गया। तो हमारे जो कंटेस्टेंट थे, 6 कंटेस्टेंट मुझे पकड़ के, उन सब के डिश यहाँ पे। और जैसे मैंने बताया था कि आज कोई जज नहीं होने वाला है, तो जो जज होने वाले हैं वो हमारी बिहाइंड द कैमरा टीम, साउंड गाइज, कैमरा गाइज, ठीक है। उनका ओपिनियन लेते हैं कि कौन जीता है क्या, और उसके बाद कंटेस्टेंट बुला के उनको बताते हैं। तो आ जाओ भाई, ओमकार, संकेत, रोहित, समीर, चल दे इधर। तो थोड़ा सा कैमरा मैं भी कर लेता हूँ, तुम डिसाइड करो, एक एक बाइट लो। मैं यहाँ पे कैमरा कर रहा हूँ और इन लोगों को सब पता है कि किसने कैसे बनाया और कौन सा डिश किसका है। प्लेट को देख के, उसका प्रेजेंटेशन देख के, टेस्ट देख के डिसाइड करो, आदमी देख के मत डिसाइड करो, ठीक है। हम जज। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कर दे तो फिर चल ठीक है, वही वही फिर हो गया हमारा डिसीजन, फाइनल हो गया, फाइनल हो गया। गाइस, कंटेस्टेंट को बुलाने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर करो, नीचे कमेंट करो, आपको अभी रिजल्ट पता चलेगा, मैं इन सबको बुलाता हूं। तो गाइस आ जाओ, अभी रिजल्ट पता चलने वाला है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये हमारे चैनल का सबसे बड़ा कुकिंग चैलेंज था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो कंटेस्टेंट है ना वो आ गए थे। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, ठीक है, ओके, सब आ गए फ्रेम में। और हमें कुछ रिजल्ट पता नहीं है, रिजल्ट सिर्फ कैमरा टीम को पता है। वो अभी यहाँ पे आके गए, खुसुर खुसुर करके कुछ तो गए, और अभी रिजल्ट पता चलने वाला है। 3, 2, 1 एंड द विनर इज रुद्र। तो गाइस, मुझे लगा था कि ये बायस्ड वगैरह हो गया रहेगा डिसीजन, लेकिन नहीं, मैं जीत गया फाइनली। मैट फॉर फन के कुकिंग चैलेंज में मैं जीत गया। तो गाइस, मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी एंड बी मैड फॉर फन। और भागो।